बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? डेफिनेशन: अ साइंटिफिक अप्रोच यूज टू रिजॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू और प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है? साइंटिफिक अप्रोच है जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या है? बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा तरीका है जिसको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनिमल डिजीज़, प्लांट डिजीज़, इनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे कि करोना वायरस, करोना वायरस आजकल का रिसेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो साइंटिस्ट बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, तो अब ये जो बायोलॉजिकल मेथड हैं इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जो यूज़ होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके कौन कौन से स्टेप होते हैं, चले देखते हैं। स्टेप इन्वॉल्व्ड इन बायोलॉजिकल मेथड: नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, 3 डिडक्शन, 4 एक्सपेरिमेंट, 5 रिजल्ट, 6 लॉ और थ्योरी। ये स्टेप जो हैं वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि ये क्या हैं। ठीक है जी, इन स्टेप को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है मलेरिया का। मलेरिया का केस सामने रखकर हम पढ़ेंगे कि वन बाय वन स्टेप को पढ़ते जाएंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है जी, चलें। ऑब्जर्वेशन डेफिनेशन: इट इज़ द प्रोसेस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेवेंट टॉपिक रिसर्च बीइंग डन बाय साइंटिस्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहिदा करने को। ठीक है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन मतलब जो साइंटिस्ट के पास उनका टॉपिक होता है रिसर्च का, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उनको मिला हुआ होता है, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है मलेरिया का। जब मलेरिया की डिज़ीज़ आई थी तो लोगों को, जहाँ पर ये डिज़ीज़ थी, जिस विलेज में, वहाँ पर लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, कहाँ से आई, इसका क्या काज है। तो मलेरिया की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही थी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट उस जगह पर गए जहाँ पर ये थी डिज़ीज़ थी, वहाँ पर उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, वहाँ पर जब वो गए, उन्होंने वहाँ पर जो जो उनको मलेरिया के बारे में पता चल रहा था वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, जमा की। उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो मलेरिया है, लोग बीमार हुए हैं जिनको मलेरिया हुआ है, वो वहाँ पर जो पानी था उनके पीने से वो बीमार हुए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी साइंटिस्ट ने कलेक्ट की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग बीमार थे उनके ब्लड सैंपल लिए। ठीक है, क्या लिए? ब्लड सैंपल लिए, जो लोग बीमार थे उनके ब्लड सैंपल लिए। तो एक फिजिशियन का लेवरन, उसने क्या किया, जो ब्लड सैंपल मलेरियल पेशेंट के लिए गए थे उसको उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा। तो जब उसने उस मलेरिया के ब्लड सैंपल को माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको एक टाइनी क्रिएचर नज़र आया। टाइनी क्रिएचर मतलब एक छोटा सा जानदार उस ब्लड में मूव करता हुआ, हरकत करता हुआ नज़र आया। तो उसको बाद में नाम दिया गया प्लाज्मोडियम। क्या नाम दिया गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, तो ये जो हमने ये अभी पढ़ा, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर माइक्रोस्कोप में देखना, फिर उनको पता चला, बाद में नाम दिया गया उसको प्लाज्मोडियम, ये सारी चीज़ें क्या है? इसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम साइंटिस्ट को मिला, उसके बारे में उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, और ब्लड सैंपल लिए, फिर चेक किया, तो उनको कुछ ऑब्जर्व किया, उनको आखिर में क्या मिला, उनको एक टाइनी क्रिएचर मिला। तो इन सब को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। चलें अब देखते हैं हाइपोथेसिस क्या है। नंबर 2 हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस क्या है? इंटेलिजेंट गैस इन अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है एक इंटेलिजेंट गैस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाइपोथेसिस क्या है? एक आइडिया है। ठीक है, एक अंदाज़ा है। ये अंदाज़ा कोई लोग ऐसे ही हम नहीं लगा सकते।
ये आइडिया जो इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिली मिली होती है ऑब्जर्वेशन में, उसके मुताबिक ये हाइपोथेसिस जो है, आइडिया जो है, अंदाज़ा जो है, लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं खुद से साइंटिस्ट लगाते, जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों को मिली हुई होती है उसके मुताबिक हाइपोथेसिस बनती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट गैस। ठीक है, ये एक इंटेलिजेंट अंदाज़ा है। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो अंदाज़ा लगाया वो क्या था, प्लाज्मोडियम इज़ दी काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब ये अंदाज़ा 50% सही भी हो सकता है और 50% गलत भी होता है। ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस एक आइडिया है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसीलिए अब हाइपोथेसिस के बाद जो हमारा स्टेप आता है वो क्या है, डिडक्शन। ठीक है, तो हम डिडक्शन को पढ़ते हैं। अब डिडक्शन क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस फॉर डिडक्शन, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन जो है वो भी एक हम मुशाहिदा ही कहते हैं। डिडक्शन क्या है, डिडक्शन फर्दर कंफर्म करती है हाइपोथेसिस को, जो हाइपोथेसिस बनी है वो सही है या नहीं टेस्ट करती है हाइपोथेसिस को। डिडक्शन जो है हम कहते हैं एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। ठीक है, क्या है, एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, उसको हम डिडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज है मलेरिया का, ठीक है, अब हाइपोथेसिस क्या है, प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, तो इसकी डिडक्शन बनी जो भी पेशेंट होंगे, जो भी मलेरिया के पेशेंट होंगे उन सब में, उन सब की ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। अब ये हाइपोथेसिस को देखकर डिडक्शन बनी। ठीक है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है, देन ऑल द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, फिर जितने भी पेशेंट होंगे मलेरिया के उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिलेगा। ठीक है, और जो हेल्दी पर्सन होंगे वो फ्री होंगे प्लाज्मोडियम से, तो इसको हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन जो है एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगाने को हम डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये फर्दर कंफर्म करती है हाइपोथेसिस को। चलें जी, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अब नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट का मतलब है तजुर्बा करना, परफॉर्म करना। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज़ में। ठीक है, अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, दो ग्रुप बनाए उन लोगों ने, कौन कौन से, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन लोगों ने वो लोग लिए जो अफेक्टेड थे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में साइंटिस्ट ने उन लोगों को लिया जिस जो अफेक्टेड थे, जिनमें मलेरिया था। और कंट्रोल ग्रुप में साइंटिस्ट ने उन लोगों को लिया जो अनअफेक्टेड थे, जिसमें मलेरिया नहीं था। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 मलेरिया के पेशेंट लिए, 100 मलेरिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल लिए, 100 हेल्दी पीपल के ब्लड सैंपल लिए। क्या लिए, ब्लड सैंपल। ठीक है, 100 मलेरिया के पेशेंट के ब्लड सैंपल लिए, 100 हेल्दी पीपल के ब्लड सैंपल लिए, फिर उनको क्या किया, एग्जामाइन, उनके ब्लड को एग्जामाइन किया, माइक्रोस्कोप पे एग्जामाइन किया। अब देखते हैं कि एग्जामाइन करने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिले। ठीक है जी, अब एक्सपेरिमेंट में क्या था, सिंपली एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने डिडक्शन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी, फिर उसका जो हमने आइडिया लगाया, उनको हम फिज़िकली चेक करें कि ये सही भी है या नहीं, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, अब हमने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जाहिर सी बात है उसकी रिज़ल्ट भी आनी है, उसका नतीजा भी निकलना है कि वो उसमें हमें क्या मिला। हमारा जो रिज़ल्ट आया उसमें मलेरिया पेशेंट और हेल्दी पर्सन, मलेरिया के जो पेशेंट थे उसमें प्लाज्मोडियम था, और जो हेल्दी पर्सन थे उनमें, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था। तो ये जो हमारी रिज़ल्ट आई, उस रिज़ल्ट ने वेरीफाई किया डिडक्शन एंड हाइपोथेसिस को। जो हाइपोथेसिस बनी थी कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, और फिर डिडक्शन ने उसको कंफर्म किया, तो ये दोनों चीज़ों, हाइपोथेसिस और डिडक्शन, यहाँ रिज़ल्ट ने उनको वेरीफाई किया। ठीक है, तो रिज़ल्ट क्या बनी कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज है मलेरिया का, तो इसको हम कहते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस थी, जो हमने बनाई थी, वो हमारी हाइपोथेसिस
सही है। अगर हाइपोथेसिस, अगर हमारी हाइपोथेसिस सही होती है तो हाइपोथेसिस के बाद हम थ्योरी के स्टेप की तरफ जाते हैं। अगर यहाँ पर हमारी रिज़ल्ट गलत आती, हमारी हाइपोथेसिस गलत जाती, तो हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस से दोबारा से हम डिडक्शन एक्सपेरिमेंट दोबारा करते रिज़ल्ट तक। अगर फिर दोबारा जब हमारी रिज़ल्ट सही आती तो फिर हम जो है थ्योरी की तरफ जाते हैं। पर यहाँ पर हमारी रिज़ल्ट सही आई है कि प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है जी, अब हमारे रिज़ल्ट क्या आई कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज है मलेरिया का। अब जब हमारी रिज़ल्ट आ जाती है तो हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है वो कॉम्बिनेशन होती है हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। व्हेन अ हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय कंसिस्टेंट रिज़ल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट इट बिकम्स अ थ्योरी। जब हाइपोथेसिस जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो जाती है तो वो हम कहते हैं थ्योरी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी। अब थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस पे बेसिस होती है, डिपेंड करती है। जो हम थ्योरी बनाते हैं वो थ्योरी जो है वो हम हाइपोथेसिस के बिहाफ पे बनाते हैं, ठीक है। और थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है, लॉ जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको अगर एक दफ़ा बन गया तो बन गया, चेंज नहीं कर सकते। पर थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस पे बेस करती हैं। बायोलॉजी में क्या होता है, इवोल्यूशंस आती हैं, ठीक है जी, इवोल्यूशन आती है, चेंजिंग आती है, तो इसीलिए थ्योरी जो है वो चेंज हो सकती है और बायोलॉजी में लॉ नहीं होते, कम होते हैं।